नाउ नेक्स्ट वन बिहेवियर ऑफ कॉन्केट मेथड्स. कॉन्केट मेथड का जस्ट वर्किंग क्या है, किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट कराना या किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के एंड पार्ट में न्यू स्ट्रिंग को अपेंड कराना. इस लाइक अ प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर के किस में आपने देखा था, प्लस ऑपरेटर के थ्रू टू स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करना पॉसिबल. सपोज अगर आपके पास टू स्ट्रिंग्स अवेलेबल है ए बी एंड सी डी, देन इस केस में रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या आएगा, ए बी सी डी. सिमिलरली कॉन्केट मेथड के केस में भी टू स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करना पॉसिबल है, लेकिन कॉन्केट के केस में कॉन्केट करने का वे क्या हुआ, इस फर्स्ट केस में स्ट्रिंग यूज किया जाए ए बी, इस केस में ए बी को कंसीडर करेंगे जाए करंट स्ट्रिंग, देन कॉल कराएंगे इस स्ट्रिंग के थ्रू कॉन्केट मेथड. कॉन्केट देन सप्लाई किया इस केस में आ जाए आर्गुमेंट सी डी. नेक्स्ट वन इस पर्टिकुलर केस में रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या बनेगा आपको, अगेन ए बी सी डी. क्लियर, इज द बिहेवियर ऑफ कॉन्केट मेथड्स. इस केस में स्पेशली याद रखना कॉन्केट मेथड के थ्रू ओनली स्ट्रिंग को किसी अदर स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट करना पॉसिबल, जबकि प्लस के केस में बात करें तो प्लस के साथ स्ट्रिंग को भी कॉन्केट कराना पॉसिबल था, किसी भी टाइप के प्रिमिटिव्स को भी कॉन्केट करना पॉसिबल. अगर सेम इंटीरियर वैल्यू अगर आप कॉन्केट मेथड के आर्ग्यूमेंट में पास करो देन स्टेटमेंट कैसा है, इनवैलिड. क्योंकि इस केस में आर्ग्यूमेंट टाइप क्या इसका है, स्ट्रिंग टाइप, इसलिए ओनली स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पास करना पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्केट मेथड्स. नेक्स्ट वन इस अगर इसे एग्जाम्पल्स की बात करें, काफ़ी यूजफुल एग्जाम्पल आपके लिए, इसका कंप्लीट बिहेवियर आपको चेक करना होगा. इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग्स. मीन्स जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किसी भी स्ट्रिंग के कंटेंट्स को कभी भी मॉडिफाई करना पॉसिबल. एक बार अगर आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया विद गिवन कंटेंट्स, कभी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करना पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल. लेकिन इस केस में चेक करेंगे ऑपरेशन किस टाइप से परफॉर्म हो रहे हैं. जब भी स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे देन ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ना कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हुआ. जैसे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में कभी भी कोई मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है. चेक कर सकते हो इस केस में, सबसे पहले आपको कॉन्सल्टेट करना ओनली बिगिनिंग थ्री स्टेटमेंट्स. फर्स्ट केस, इस केस में कंप्लीट डायग्राम क्रिएट करूंगा. जब भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट कर देते हैं, क्रिएशन किस प्लेस पर होगा, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी. सेम है अगर आप स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं, इस केस में ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर क्रिएट होता है, इनसाइड हीप एरिया. वन मोर थिंग, स्ट्रिंग के साथ जब भी आप कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल्स अगेन प्रीवियस केस, जैसे मैंने राइट डाउन किया ए बी प्लस बी सी और सी डी. इस पर्टिकुलर केस में जब कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हुआ तो इस केस में क्रिएट किया हुआ न्यू स्ट्रिंग एज ए बी सी डी. अब आपके पास टोटल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कितने, थ्री ऑब्जेक्ट. लेकिन जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट भी अगेन किस प्लेस पर क्रिएट होगा, इनसाइड हीप, न कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. स्पेशली याद रखना है स्ट्रिंग के साथ जब भी कोई ऑपरेशन से अप्लाई होता है, ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनसाइड हीप एरिया. मीन्स स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब आप डबल कोट्स के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो डायरेक्टली. जैसे फर्स्ट केस बात करें ए बी, ए बी एज ए स्ट्रिंग लिटरल रिप्रेजेंट हुआ, इसलिए ए बी इटसेल्फ क्रिएट हुआ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में. सी डी इटसेल्फ क्रिएट हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. लेकिन ऑपरेशंस का न्यू रिजल्ट किस प्लेस पर क्रिएट हुआ, इनसाइड हीप एरिया. सेम बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे इस केस में. फर्स्ट वन रेफरेंस वेरिएबल एस, एस के केस में आसान किया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ए बी सी, लेकिन डबल कोट से क्रिएट हुआ इसलिए ए बी सी इटसेल्फ किस प्लेस पर क्रिएट हुआ, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी एस सी पी. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट न करके सबसे पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च होगा. तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है इसके इसमें, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा है क्या, नहीं. देन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद एड्रेस समथिंग 100, कंटेंट्स असाइन होंगे एज ए बी सी. नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100 कॉपी हो जाएगा इनसाइड रेफरेंस वेरिएबल एस. नेक्स्ट सेकेंड केस में बात करें, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी को. ए बी सी मीन से 100 ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट्स फाउंड हो रहा है. ए बी सी से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कभी भी मॉडिफाई करना पॉसिबल. जैसे इस केस में कॉन्केट मेथड कॉल हुआ, कॉन्केट का वर्किंग क्या है, एस के कंटेंट्स में स्ट्रिंग एस के एंड में अपेंड किया हो जाएगा डी ई एफ प्लस एक कंप्लीटली न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड हीप एरिया. मीन से इसका रिजल्ट क्या आएगा, एस में क्या है ए बी सी, ए बी सी के साथ अपेंड किया हो रहा है डी ई एफ. देन इस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ए बी सी डी ई एफ प्लस ए न्यू ऑब्जेक्ट के स्पेस पर क्रिएट हो रहा है इनसाइड हीप एरिया प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम होगा, डिफरेंट सम डिफरेंट एड्रेस मे बी 200 और 300. देन
मिसेस केस में न्यू ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ, लेकिन न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी भी रेफरेंस में साइन हुआ है क्या? नहीं। मिस चेक कर सकते हो एस में अभी भी कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। एस अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है? एबीसी को। बट सपोज दैट अरे डी ई एफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में अपेंड होता, देन इसके न्यू कंटेंट्स क्या होना चाहिए? ए बी ए बी सी डी ई एफ। लेकिन इस केस में कोई भी मिस ऑपरेंड या ऑपरेशंस अपेंड तो हुए, लेकिन इस केस में न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी भी न्यू रेफरेंस में साइन नहीं किया, ना ही एग्जिस्टिंग रेफरेंस में साइन किया है। कॉन्केट मेथड इस केस में रिटर्न क्या करेगा? क्रिएटेड और न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस 200, लेकिन 200 कहीं आसान हुआ क्या? नहीं। देन उसके जस्ट बाद जब एस ओ पी के थ्रू एस डिस्प्ले करा हुए, एस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट में अभी भी क्या स्टोर है? ए बी सी। तो अगेन इस पर्टिकुलर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का आउटपुट क्या प्रिंट होगा? ओनली ए बी सी। क्लियर? जस्ट आउटपुट ए बी सी। नेक्स्ट वन, अगेन नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से सेम मेथड कॉल किया, एस डॉट कॉन्केट। एस में क्या है? ए बी सी। ए बी सी के साथ अगेन अपेंड क्या हो जाएगा? डी ई एफ प्लस न्यू रिजल्ट। और इस ऑपरेशन का रिजल्ट किस प्लेस पर क्रिएट होगा? इनसाइड हीप एरिया। हीप एरिया के अंदर अगेन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वन मोर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि हीप एरिया के अंदर एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होता है। देन अगेन इसके अंदर कंटेंट्स क्या साइन हो रहा है? ए बी सी डी ई एफ। इस प्रीवियस और करंट केस में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस केस में रिटर्न क्या हुआ था? 200। इस केस में रिटर्न क्या हुआ? न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस 300। प्रीवियस केस में 200 कहीं हुए ने असाइन नहीं किया था, लेकिन इस केस में 300 असाइन किस में हो रहा है? रेफरेंस वेरिएबल टी। टी लोकल वेरिएबल, इस टी में क्या असाइन हो जाएगा? 300। देन टी किसको पॉइंट करेगा? न्यू रिजल्ट को या न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? अभी भी एस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म हुआ क्या? नहीं। देन इसके जस्ट बाद में डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ टी। टी के रिस्पेक्ट में आप कहें टी में क्या है? टी जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करा, उसमें कंटेंट्स क्या है? ए बी सी डी ई एफ। देन नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा? ए बी सी डी ई एफ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इन केस ऑफ रेफरेंस वेरिएबल टी। देन अगेन अगर एस और टी दोनों ही रेफरेंस वैल्यू सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो इस केस में कंपेरिजन परफॉर्म करा यूजिंग इक्वल इक्वल ऑपरेटर। एस में क्या स्टोर है करंटली? 100। और टी में क्या स्टोर है? 300। देन इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फाइनली लास्ट रिजल्ट क्या प्रिंट होगा इस केस में? फॉल्स। इस फाइनली याद रखना स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करके जब भी आप करेंट ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करोगे, देन चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इन साइड हीप एरिया, मीन्स एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कभी भी चेंजेस एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं। अगर सेम केस में टी में असाइनमेंट करके इस ऑब्जेक्ट के इस ऑपरेशन का रिजल्ट अगर आप अगेन एस में असाइन कर देते हैं, इस प्लेस पर रिटर्न क्या हो रहा है? 300। तो 300 कॉपी किस में हो जाता? अगेन एस में। देन उस पर्टिकुलर केस में एस का न्यू वैल्यू क्या होता? 300। देन एस किसको पॉइंट करता? न्यू ऑब्जेक्ट को। क्लियर? इस टाइप से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है।